हेलो फ्रेंड, नमस्कार। देसी किचन में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड, आज हम बनाएंगे बैंगन की एकदम अलग तरीके की सब्जी, जो बनाने में आसान और खाने में टेस्टी। तो चलिए फ्रेंड, अगर फ्रेंड हमारा चैनल आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और साली बेल का बटन प्रेस करें, ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए फ्रेंड, जिसके लिए हमने 250 ग्राम बैंगन लिए हैं छोटे साइज के, और दो ले लेंगे हम टमाटर, और 6 से 7 बारीक बारीक कटी हुई लंबी कटी हुई प्याज ले लेंगे, जो हमने लंबा लंबा काट लिया है। देखिए फ्रेंड, बैंगन को हम इस तरीके से इनकी डंडियां हटा लेंगे, और अब हम इनमें लगा देंगे कट इस तरीके से। देखिए फ्रेंड, हमें इस कुछ इस तरीके से कट लगाना है बैंगन के। इसी तरीके से हम दूसरा बैंगन में चीरा लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड, इसी तरीके से हम सारे बैंगन को काट कर तैयार कर लेंगे। देखिए, हमने बैंगन लिए हैं काट, सारे बैंगनों में हमने चीरा लगा लिया है इस तरीके से। और अब हम काट लेंगे टमाटर को, थोड़ा मोटा मोटा ही टमाटर काटेंगे इसमें। देखिए फ्रेंड, हमें कुछ इस तरीके का टमाटर काटना है, मोटा मोटा, हमें बिल्कुल भी बारीक टमाटर नहीं चाहिए इसमें। इस साइज का हम टमाटर काट लेंगे। इसी तरीके से दूसरा टमाटर भी काट लेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हम ले लेंगे कढ़ाई। कढ़ाई में एक बड़ा चमचा लेंगे ऑयल, हम इसमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं लेंगे, एक लिमिट तक ऑयल लेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म हो जाने देंगे, और उसमें हम तलेंगे सभी बैंगन। अब बैंगन को चलाते हुए हमें तल लेने हैं बैंगन को। देखिए फ्रेंड, जिस तरीके का ये बैंगन हो गया है, हमें सभी बैंगन कुछ इस तरीके के कर लेने हैं चलाते हुए। देखिए, यहाँ हमारा बैंगन हो चुका है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमारे बैंगन भुन चुके हैं, सभी को निकाल लेंगे, हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे सूखे मसाले। मसालों में लेंगे हम 6 से 7 काली मिर्च, 2-3 लौंग और 1 हरी इलायची। 1 चम्मच ले लेंगे जीरा। और 1/2 चम्मच लेंगे हम सूखा धनिया, उसको हम थोड़ा सा हाथों से क्रश कर डालेंगे। इसमें फ्रेंड धनिया का अच्छा फ्लेवर आता है, इसलिए इसमें धनिया डाला जाता है। मसाले हमारे भुन गए हैं, अब हम इसमें डालेंगे प्याज। प्याज को हमें हल्का भूनना है, गोल्डन ब्राउन होने तक नहीं भूनना, हमें ये सिर्फ पारदर्शी होने तक भूनना है। देखिए फ्रेंड, इस टाइम डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच देसी घी, ताकि हमारी प्याज में खुशबू और कलर अच्छे से आ जाए। इसमें घी का एक टेस्ट अलग आता है, इसलिए इसमें घी भी आप डाल सकते हो या स्किप भी कर सकते हो। देखिए फ्रेंड, हमारी प्याज भून चुकी है, सिर्फ हमें इतनी ही प्याज भूननी है ना। और अब हम इसमें डालेंगे मसाले। मसालों में स्वाद के अनुसार सबसे पहले डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, धनिया पाउडर 2 चम्मच, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच,
और अब ले लेंगे डेगी लाल मिर्च 1.5 चम्मच, और अच्छे से इसको मिला देंगे। प्याज के साथ में ही हम मसालों को भून लेंगे। और ये डाला है हमने हींग का पानी 1 चम्मच, जो घुला हुआ हींग है हमारे पास। देखिए फ्रेंड, अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। अच्छे से टमाटर को मिला देंगे और साथ ही डाल देंगे इसमें बैंगन भी। बैंगन और टमाटर हमारे साथ साथ सॉफ्ट हो जाएंगे, और अब अच्छे से इनको मिला देंगे। देखिए फ्रेंड, इस टाइम हमारे बैंगन हल्के से कुक हो चुके हैं। अब हम इनमें प्याज भरेंगे, टमाटर नहीं भरेंगे इसमें। इस तरीके से हम प्याज को बैंगन के बीच में भर लेंगे, भरते रहेंगे और एक साइड को रखते रहेंगे। इसमें हमें सिर्फ प्याज भरनी है, टमाटर नहीं भरना। इस तरीके से इसको भरते रहेंगे, इसी तरीके से हम सारे बैंगन को भर लेंगे। देखिए फ्रेंड, बैंगन हमने भर लिया है, और अब हम इनको चलाते हुए पकने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी सी देर के लिए। और अब हम इसको ढककर लो फ्लेम पर 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड, हमारे बैंगन कुछ इस तरीके के हो जाएंगे। अभी हमारे बैंगन अच्छे से कुक नहीं हुए हैं, अभी और पका लेंगे इनको। और साथ ही डाल देंगे इसमें मैगी मसाला। मैगी मसाले का फ्लेवर अच्छा आता है इसमें, इसलिए मैगी मसाला हमने 1 पैकेट मसाला डाला है। आप मैगी मसाले की जगह गरम मसाला ले सकते हैं, या स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड। इसको हम ढककर बार बार पकाएंगे और बीच बीच में इसको चलाते रहेंगे। देखिए फ्रेंड, इस टाइम हमारी सब्जी कुछ इस तरीके की होगी है। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कसूरी मेथी, जो हम हाथों से क्रश करके डालेंगे। और अब हम इसको अच्छे से मिला देंगे। देखिए फ्रेंड, सब्जी हमारी बनकर तैयार हो गई है। आप भी बनाइए और एंजॉय कीजिए। और अगर हमारी ये बैंगन की आपको भरवा सब्जी अच्छी लगी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब भी करें साथ।